पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल समझना है आज, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने पॉपुलेशन एट्रिब्यूट बता दिया था, ध्यान से सुनते रहिए। पॉपुलेशन की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे पॉपुलेशन घटती है और बढ़ती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है बताया था मैंने, हो गया। कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। उसमें था बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है उसके कितने मॉडल्स हैं, इधर देखिए। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन का जो आप कर्व बनाएंगे, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी एक एक्सिस पर लेंगे, दूसरी एक्सिस पर टाइम लेंगे, एक आपको कर्व नजर आएगा कि पॉपुलेशन घट रही है कि बढ़ रही है, कैसे घटती है कैसे बढ़ती है मैंने बताया। लेकिन जब आप उसका कर्व बनाएंगे तो कर्व में दो तरीके के कर्व नजर आएंगे सर, एक ये क्या है, दो तरीके के कर्व, ध्यान सुन करिए, टू टाइप से कर्व नजर आते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में जो कर्व बनता है वो दो तरीके का कर्व है। पहला कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व या ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। दोनों में डिफरेंस देखते जाइए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कब बनेगा, जब इस अर्थ पर, देखिए इस अर्थ पर रिसोर्सेज का मतलब जानने संसाधन क्या होता है, खाना और रहना यही संसाधन है, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर इस अर्थ पर जब, क्योंकि फूड और स्पेस, खाना और रहना अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है फूड, लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कुछ सीजन्स में, कुछ समय एक फूड और स्पेस थोड़े समय के लिए अनलिमिटेड हो जाता है। कैसे, कहाँ, बारिश के समय बताएंगे भी आपको, रेनी सीजन में होता है, ठीक है। ये हमारे लिए बात नहीं हो रही है, ये मैं आपको एक माइक्रोब का फंजाई का एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कब बनता है, जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड होता है तब बनेगा। मतलब जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिखते रहिए, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, फूड एंड स्पेस, फूड और स्पेस अगर अनलिमिटेड होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बनेगा बहुत तेजी से, ठीक है। लॉजिस्टिक कब बनेगा, इसमें फूड एंड स्पेस जब क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो नॉर्मल केस में कौन सा ग्रोथ कर्व बनता है पूछा जाए तो लॉजिस्टिक वाला बनता है। नॉर्मली कौन सा कर्व बनता है पॉपुलेशन में, किसी जनसंख्या में नॉर्मली यही कर्व बनता है, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं वर्ग पियर, वर्ग हर्ट, वर्ग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दोनों को साथ में समझते जाइए, अलग अलग नहीं बताना है, वर्ग हर्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप, ये जे शेप का कर्व आता है, और इसका कर्व कैसा होता है, एस, एस शेप का कर्व आएगा, मतलब सिग्मोइड, एस को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना उस उधर ग्रोथ वाले चैप्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस सर, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बनेगा और ये क्या बनेगा, जे शेप बनेगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसका अगर आप कर्व बनाएंगे तो इस तरीके से कर्व आता है, यहाँ पर टाइम टी ले रहे हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन साइज भी बोला जाता है, किसी पॉपुलेशन में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन साइज उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। एन इसका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, समझ रहे ना, जे शेप कर्व, मतलब जे शेप कर्व देख रहे हैं, जे शेप है,
ये कैसे बना? देखिए इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ये लाइन ऊपर भी तो जा रही है, उतना ज्यादा तेजी से टाइम नहीं इंक्रीज कर रहा है जितनी तेजी से कर्व ऊपर जा रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक थोड़े समय में ही पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हो गया, ब्लास्ट हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, तो क्या ये संभव है कि हमेशा ये लाइन ऊपर चलती चली जाएगी? नहीं नहीं, एंड आएगा इसका, महामारी एंड आएगा, पॉपुलेशन क्रैश होगा। पॉपुलेशन क्या होगा? क्रैश होगा। कैसे? इसका एग्जांपल देखिए, जब रेनी सीजन में क्या होता है, फूड और स्पेस क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। किसके लिए? हमारे लिए, कीड़े मकोड़े माइक्रोब्स के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए। बहुत सारे इंसेक्ट आपको मिल जाएंगे, बारिश में जहाँ देखिए वही फंगस ग्रो करा मिलेगा। एल्गी काई ग्रो की मिलती है, काई लग जाती है फंगस, लेकिन वो हमेशा नहीं लग रहता है, जैसे मौसम बदला बारिश खत्म हुई तो सब गायब, थोड़े समय के लिए हुआ, ठीक है। रेनी सीजन में माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट होते हैं, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया होगा और फंजाई होगा, ठीक है, फंजाई। और इसके बाद यहाँ एल्गी होती है, एल्गी की ग्रोथ क्या हो जाती है? एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? पॉपुलेशन क्रैश होता है, पॉपुलेशन क्रैश, ये कर्व तुरंत अचानक एकदम नीचे आ जाएगा, नीचे डाउन आ जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी गिर जाएगी नीचे, पॉपुलेशन क्रैश होगा, मतलब एन की वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगी, क्यों हो जाएगी? एटमॉस्फेयर चेंज होगा, अचानक तो चेंज नहीं होता है, एटमॉस्फेयर भी धीरे 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 होता ना, तो धीरे धीरे चेंज होगा तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा ना, खाना धीरे धीरे घटेगा, तापमान बढ़ेगा, मॉइस्चर घटेगा, मॉइस्चर घटेगा तो फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से पॉपुलेशन क्या होगा? क्रैश होगा और ये डाउन हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? dN / dt इक्वल टू क्या है? rn, dN / dt इक्वल टू rn। यहाँ पर dN / dt क्या है? एट टाइम टी पर वो डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ n क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। r क्या है? नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का बढ़ोतरी का रेट क्या, किस रेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसको कैसे देखेंगे आप? बर्थ रेट में से अगर डेथ रेट घटा दीजिए तो बर्थ पता लग जाए कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। भाई शुरुआत में पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लास्ट में कम हो रही है ना, शुरुआत में तो बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है, क्या रेट से, बर्थ रेट कितना है और डेथ रेट, तो कुछ ना कुछ तो डेथ होगी, ठीक है। तो बर्थ में से डेथ रेट घटाएंगे तो ओवरऑल आ जाएगा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हाई रहेगी यहाँ पर, तो ये कर्व इस तरीके से बनता है। इसको अगर इंटीग्रल फॉर्म में लेंगे तो एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ये इक्वेशन क्या है? इसका इंटीग्रल फॉर्म है, ये इंटीग्रल इक्वेशन है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन समझते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए इतना ही हो गया, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये कब बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ का नहीं पता है, शेप कैसी होती है, ठीक है, इक्वेशन क्या है इस पर आया था क्वेश्चन, और इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, आर क्या है ये बताओ, ठीक। आगे देखिए इसके बाद लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कब कब बनेगा? जब फूड स्पेस लिमिटेड होगा। इसका जो ग्राफ सिग्मॉइड आता है, सिग्मॉइड में देखिए इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर टाइम टी, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जैसे वहां था वैसे yes, पॉपुलेशन शुरुआत में बढ़ रही है। देखिए इस कर्व को सब लोग समझते होंगे ना, ये कर्व क्या बताता है, देखिए यहाँ पर ये है पॉपुलेशन बढ़ी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ पॉपुलेशन तेज बढ़ रही है कि स्लो बढ़ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉपुलेशन फास्ट है कि स्लो है, एकदम नहीं बढ़ रही है, एकदम
कांस्टेंट है, लाइन से कितनी है, लाइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, ये लाइन एकदम सीधा नहीं बनाया हमने, थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट किया लाइन को, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी नए एरिया में जब पॉपुलेशन स्टैब्लिश होती है तो क्या बहुत तेजी से बढ़ती है, पहले अपनी स्टेबिलिटी, पहले अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप कहीं जाते हैं किसी के घर पे और मान लीजिए बिस्कुट लेके आया आपको दिया तो क्या तुरंत खाना स्टार्ट कर देते हैं, माहौल बनाते हैं कि पहले वो खाए तो हम खाए, पता नहीं उसको कैसा लगेगा ना। यस सर। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट होता है, पहले कोई भी पॉपुलेशन कहीं एस्टैब्लिश हो रही है, नई पॉपुलेशन बन रही है, जो भी है पॉपुलेशन अपने वातावरण को एडजस्ट करती है तो संख्या तेजी से नहीं बढ़ती है। यहाँ देखिए टाइम तो बीत रहा है लेकिन ये कब ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा है, शुरुआत में एडजस्टमेंट फेज है, ठीक है। ये क्या है एडजस्टमेंट फेज बताती है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कब बहुत तेजी से बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि खाना पीना फूड स्पेस सब कुछ है, अभी अनलिमिटेड तो नहीं है लेकिन अभी अच्छा खासा है ना। यस सर। बढ़ रहा तेजी से, अच्छा खासा बढ़ रहा, इसके बाद क्या आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व, यहां से यहां तक क्या चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे सीधे समझिए आपका पेट खाली है, आप खाना बहुत तेजी से खाएंगे पहले, इसके बाद क्या होगा स्पीड नॉर्मल कर देंगे। यस सर। ये नॉर्मल तेजी से नॉर्मल हो गया, पॉपुलेशन अब बहुत तेजी बढ़ेगी, ठीक है। शुरुआत में एडजस्टमेंट करती है पॉपुलेशन, इसके बाद बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है क्योंकि फूड स्पेस अच्छा खासा है, इसके बाद क्या होगा पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है, जितना कल उधर जा रहा है उतना ये कल उधर, समझते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी और ये दोनों साइड में पीछे चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी बढ़ रहा लाइन ये भी बढ़ रहा है, इसके बाद अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है रिग्रेशन का, रिग्रेशन समझते हैं कि पॉपुलेशन घटना चालू हो रही है, क्यों होता है पॉपुलेशन क्यों घटती है, फूड स्पेस कम हो रहा है, ठीक है, फूड स्पेस कम हो रहा है, जब खाना पीना कम होगा तो लड़ाई होगा, कंपटीशन होगा उस फूड को लेने के लिए, तो उस कंपटीशन में कुछ मरेंगे कुछ जीतेंगे, तो मरेंगे वो पॉपुलेशन को घटाएंगे और यहाँ झगड़ा होगा, ठीक है, पॉपुलेशन मरेगा यहाँ पर, जनसंख्या कम होगी, इसके बाद अब क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, अभी एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रहा है एकदम कांस्टेंट उसी पर रुक गया है, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है फूड स्पेस, अनलिमिटेड होता तो आगे अनलिमिटेड होता तो यही लाइन से ऊपर चले जाते हैं, ठीक। अब इस लाइन को अगर मैं यहाँ ला दूँ तो यहाँ एक वर्ड आता है कि ये जानते हैं क्या होता है, पहले तो इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए, dN by dt is equal to क्या होता है Rn, इसके बाद क्या है k माइनस के एन, देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर एक वर्ड नया एक आया है के, सब कुछ पुराना है एक नई चीज क्या आई के, केस में नहीं है के, क्या होता है के देखिए इसमें कितने, अगर ये कमरा है तो इस कमरे की क्षमता कितनी है बैठने की, वो के होती है, के का मतलब कोई भी इकोसिस्टम समझते हैं ना, फॉरेस्ट क्या इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड क्या इकोसिस्टम, पॉन्ड क्या इकोसिस्टम, परितंत्र, उसी इकोसिस्टम में मैक्सिमम कितना इंडिविजुअल आ सकते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल, कितना लोग रह सकते हैं पौधे या कोई भी जीव कितना रह सकते हैं, पॉपुलेशन कितने लोगों को रख सकती है ताकि जो है बैलेंस बना रहे, ठीक है, तो वही के होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट इज कैरिड बाय ए पॉपुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैरिड बाय ए पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ रहते हैं पॉपुलेशन ही तो होते हैं, किसी जगह पर रहते हैं, ठीक है, कि कैसे पता लगा, ये ग्राफ इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा, देखो स्टेबल है, इसका मतलब इस लाइन को हम ड्रा करेंगे, यही जो एन ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी जाएगी यहां पर, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी थी ना मैक्सिमम है ना, इसके ऊपर नहीं जा रही है, इसके ऊपर ये प्रारंभ में हम कर्व को ऊपर ले जाओ, यहां पर कर्व को और इस लाइन को यहां ड्रा करूं तो अभी ये हो गया, जितना ग्राफ कितना ऊपर तक गया उस लोग को यहाँ ड्रॉ करेंगे,
किस पर किया जाएगा? पोटेंशियल डेंसिटी वाले ग्राफ लाइन पर, यदि वो साथ है कि ऊपर लेके जाएंगे तो पॉपुलेशन विस्फोट नहीं हो जाएगा? कहाँ ले क्यों जाएंगे हम? ग्राफ अपनी मर्जी से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि फूड स्पेस लिमिटेड है, फूड स्पेस लिमिटेड है यहाँ। मतलब अगर जाएगा तो वो पॉपुलेशन भी, हाँ जाएगा तो यहाँ क्रैश होगा, लेकिन यहाँ ऊपर जाता ही नहीं है क्योंकि फूड स्पेस लिमिटेड होगा, जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हटा दे इसको। यस सर। अब इस कमरे में 200 बच्चे थोड़ा बैठ सकते हैं? 200 वो देखिए नहीं, लिमिटेड के से ज्यादा नहीं हो सकते। ये क्या है मैक्सिमम? ऐसा नहीं कि तल के ऊपर वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब आराम से कितना लोग रह सकते हैं किसी पॉपुलेशन, समझ में आया? वो हो देखिए आराम से, ठीक है, कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें दो केस बनते हैं, केस वन और केस टू। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कोई मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है? ए है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ए है। ठीक, एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ छूट रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी के, समझ लीजिए बाद में केस समझिएगा, ये किस चीज पर निर्भर करती है? किसी भी जगह पर कितने लोग रह सकते हैं ये किस चीज पर निर्भर करता है? अगर साइज बड़ा है इंडिविजुअल का तो कम लोग रहेंगे तो कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, समझ रहे हैं? कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी ना। मान लीजिए बड़े बड़े लोग हैं मोटे मोटे तो कम ही तो एडजस्ट होंगे इस पॉपुलेशन में, पतले पतले छोटे छोटे हैं तो ज्यादा एडजस्ट हो जाएंगे। नंबर ही तो होता है कैरिंग कैपेसिटी, कितना रह सकते हैं। तो पॉपुलेशन अगर इंडिविजुअल का साइज क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा है तो कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन, पहला लिखिएगा साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साइज पर। अगर साइज क्या है, आई है, ज्यादा है तो क्या होगा यहाँ पर? कैरिंग कैपेसिटी जो होती थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखिए दिखा दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, दूसरा क्या होता है? साइज ऑफ इकोसिस्टम, साइज ऑफ इकोसिस्टम। अगर जगह बहुत इंफ्राज है, तालाब बहुत बड़ा है, इसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं, ज्यादा मछली आ सकती है, ज्यादा पौधे आ सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही रहने की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो साइज भी क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज इकोसिस्टम के साइज। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? कैरिंग कैपेसिटी। इतना ज्यादा इकोसिस्टम का साइज उतना कैरिंग कैपेसिटी इसकी क्षमता ज्यादा। ठीक है, इकोसिस्टम के साइज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए दो केस यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए टाइम टी था, यहाँ पर क्या था? कर्व को फिर से बना दे रहे हैं, ये वैल्यू किसकी थी? के की थी। देखिए ध्यान से, ये वैल्यू किसका था? के। अगर मान लीजिए मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट ए है, ये क्या है? कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए, समझ रहे हैं? इस एक्सिस पर क्या ले रहे थे हम लोग? यन। इस पर क्या ले रहे हैं? टी। इस पर टाइम है, इस पर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, ये पॉइंट मान लीजिए आपने ले लिया, जैसे अगर किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए 100 लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम कितना लोग रह सकते हैं? 100 लोग रह सकते हैं किसी पॉपुलेशन में, 100 जीव रह सकते हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 100। और मान लीजिए उस पॉपुलेशन में 3 ही लोग हैं, कितने हैं? 3 इंडिविजुअल हैं। तो ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है? कि ये दर्शा रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, मान लीजिए जल्दी है ना, इस पर क्या होता है? जल्दी लिया जाता है। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में बहुत कम लोग, क्षमता बहुत ज़्यादा है, बट कितने हैं? 3 ही लोग हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो होगा, के ये क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? ए पॉइंट। तो ए पॉइंट हमने लिया, ए पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी,
पॉइंट पर जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो उसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ इसको हम चूँकि एन से लिखते हैं, इससे लिखेंगे एन, भाई ये तो हमने पॉइंट दिया ना कोई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे वो एन होता है, ठीक है। एन एन की वैल्यू क्या है, ये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा है, 100 लोग रह सकते हैं, कितना लोग रह रहे हैं, 3-4 लोग, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, बहुत कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्षमता बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन में बहुत कम है। जैसे मान लीजिए अभी इस कमरे में एक लोग बैठे हैं, क्षमता कितने की है, 100 लोग, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्षमता 100 हो गया। तो आप एन को निगलेक्ट कर सकते हैं, एन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एन को निगलेक्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या होगा, आर एन ए माइनस ए एन अपॉन के, एन को निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, हटाते हैं यहाँ से के कट जाएगा, हाँ यहाँ लिखेंगे एन कैन बी निगलेक्ट, बी निगलेक्ट कट जा सकता है, पिछले वाले में तो यही हो रहा था, ऐसे चलता था ऊपर कर। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है किसी भी इस वाले सिस्टम में, वो शुरुआत में जे शेप कब बनता है, शुरुआत में कैसा बन रहा है, जे शेप, जे शेप, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एक चीज आप लिखिएगा कि कर बिहेव लाइक, कैसा कर बनेगा, जे शेप लाइक एक्सपोनेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल की तरह कर बनेगा, ठीक है। समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा, तब आप यहाँ काम कर सकते हैं। जैसे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी ए पॉइंट पर, थी यंग की वैल्यू ए पॉइंट पर जो भी थी, तीन थी, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया था, अब हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, बराबर मान के नियर अबाउट, नियर अबाउट मान लेंगे, जितना ये पॉइंट पर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो के बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है के नियर अबाउट, सिम्प्टोट, ठीक है।
कहीं क्वेश्चन नहीं आया था पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी कांस्टेंट, ठीक है। कैसा हो गया पॉपुलेशन कांस्टेंट, बढ़ नहीं रहा डीएन बाय डीटी बढ़ नहीं रहा है, तो यन क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। वही रुक गया है, ये सिम्टोम हो गया है, ठीक है। तो ये याद है ये टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद आगे छोटा सा टॉपिक दिया गया होगा, नाम बताइए टॉपिक का देख करके। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन समझ लीजिए इसको। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या मीनिंग है इसका, जीवन चक्र, जीवन के इतिहास की विभिन्नता है, ठीक है। इसका मतलब जाने जैसे जान सुनिए, विकास जो हुआ एवोल्यूशन कई हजारों वर्ष, लाखों हजारों वर्ष पहले हुआ, इतना समय लगा विकास में, हजारों साल लग गए धीरे धीरे। ऑर्गेनिज्म थे जीव जंतु थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को बदलने के लिए या विकास करने के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग बने हैं ना मंकी की तरीके से, एनिमल से बने मंकी लाइक एनिमल से, तो जीवों ने अपने शरीर में क्या परिवर्तन किए, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई ताकि वो विकास कर सके। स्ट्रेटजी समझते हैं, स्ट्रेटजी का मतलब होता है टेक्निक, जैसे आपको जिंदा रहना है तो कोई ना कोई टेक्निक यूज करेंगे ना तभी सर्वाइव कर पाएंगे। तो इवोल्यूशन जब विकास हुआ तो जितने अलग अलग चीज़ें अपना अपना विकास किए, तो विकास जो इवोल्यूशन में किया उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाया, क्या टेक्निक अपनाया इवोल्यूशन के लिए, इसका मतलब ये है। क्या मैं कह रहा हूँ क्या है स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजीज का मतलब तकनीकी तरकीब, ठीक है। यूज बाय ऑर्गेनिज्म, और एवोल्यूशन के लिए ताकि अपना विकास कर सकें, तो उस तकनीकी को जो कोई तकनीकी नहीं यूज कर पाए उनका विकास ही नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। विकास करने के लिए क्या करना, तो तकनीक यूज करना पड़ेगा। टेक्निक क्या है, इसमें तीन टेक्निक देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तीन टेक्निक है, ठीक है। लिखा गया वही बता रहा हूँ, ठीक। लिखा गया है पैसिफिक सैल्मन फिश, एक पैसिफिक सैल्मन फिश मछली है, ठीक है, और एक होता है बैंगो। बैंगो सब लोग जानते हैं, ये ब्लाइंड फिश क्या है, एनिमल हो गया, ये लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। बैंगो जानते हैं मोनोहाइब्रिड है, पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर बनाएगा, उसके बाद टाइप जैसे बांस खत्म पानी बांस बने, ठीक है। और सैल्मन फिश भी क्या है, लाइफ को वन टाइम रिप्रोड्यूस करती है, ये दोनों क्या है एक ही बार है, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम इन लाइफ, और ये लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बताइए अब क्या तकनीक अपनाएंगे ताकि इनका जो है विकास हो जाए, उन्होंने क्या तकनीक यूज किया होगा, उन्होंने
क्या टेक्निकली क्या होगा इवोल्यूशन के कारण है ये इसलिए कि ये जब क्योंकि जो प्लांट एक ही बार जो है फ्लावर बनाता है वो क्या करता है एक बार में बहुत सारे फ्लावर बनाता है ढेर सारे लो जी ठीक है कम नहीं बनाएगा क्योंकि हो सकता है कुछ मर जाए वातावरण बदलते वातावरण में कुछ डाई भी कर सकते कुछ तो बचे रहेंगे तो जो एक बार रिप्रोड्यूस करता है वो क्या करता है बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करता है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है ताकि कुछ ऑर्गेनिज्म बचे रह जाए बचे रहेंगे तभी उनका आगे विकास भी होगा अदरवाइज विकास तो खत्म हो गया जनरेशन तो वही खत्म सोचिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही बार चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहा है एक ही बार ऑफस्प्रिंग बना रहा है और वो ज़्यादा ना बनाए कुछ ही बनाए तो कहीं मर गया तो काम तो वंश चला गया तो क्या करते हैं बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं ठीक है बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे बैंबू बहुत सारे फ्लावर बनाएगा ठीक है उससे नया बैंबू बनेगा क्यों लार्ज नंबर क्यों बनाएंगे फॉर सर्वाइवल इसके लिए फॉर बेटर सर्वाइवल ताकि वो सर्वाइव कर सकें जिंदा रह सकें बन जाएगी ये स्ट्रेटजी थी किसके लिए जो एक बार लाइफ में रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जीवन में दूसरा क्या है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे ह्यूमन है एनिमल्स हैं प्लांट है हर साल रिप्रोड्यूस करते रहते हैं वन एवरी टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी खासियत क्या है स्मॉल एनिमल्स और उसमें देखिए दो तरीके हो सकते हैं इनका केस अलग हो गया ये तो एक ही बार वाले हैं ठीक है एक बार वाले उन्होंने क्या तरीका अपनाया ढेर सारा अब जो है जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें दो केस अगर जीव छोटा है और जीव बड़ा भी हो सकता है दोनों की तरह दोनों का फिर स्ट्रेटजी अलग अलग है दोनों का टेक्निक भी अलग अलग है स्मॉल ऑर्गेनिज्म का केस और लार्ज लार्ज ऑर्गेनिज्म कुछ स्मॉल है कुछ लार्ज है ये कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं है, लेकिन वो सेज के बाद वो जो है टाई कर जाता है बार बार फ्लावर नहीं कर सकते बार बार उसके नहीं बनाते नहीं हाँ इसे रिप्रोड्यूस करेगा उसके बाद अब वो जो है क्या है अब वो दोबारा फ्लावर नहीं बनाएगा मैं तो बार बार फ्लावर बनाता है नहीं कह रहा हाँ जो भी एक होगी उसको फ्लावर बनाने के बाद तो अब फ्लावर नहीं बनाएगा तो जब तक जिंदा रहेगा जिंदा रहेगा सो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है ये दोनों बार बार ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं एक बार नहीं बनाएंगे बार बार ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो छोटे हैं जो स्मॉल हैं वो ज़्यादा संख्या में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो स्मॉल क्या करते हैं प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ मोर ऑफस्प्रिंग मोर ऑफस्प्रिंग लेकिन ध्यान रखिएगा इससे कम क्योंकि बार बार अगली बार मान लीजिए इस बार बच्चे ऑफिस में बन गया अगले साल फिर बनेगा ठीक है और नेक्स्ट टाइम फिर बनेगा तो फिर आप नहीं बनाते हैं बनाएंगे लेकिन मोर लेकिन किससे कम इससे कम और इससे ज़्यादा कौन है क्योंकि इनका साइज बड़ा है छोटे हैं हो सकता है कि जो चीज़ ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होता है उसका भी सर्वाइवल चांस कम होता है जिंदा रहने का चांस क्या है कम होता है हो सकता है कोई बड़ा जानवर उसको खा जाए ठीक है यहाँ पर क्या है मोर less than इस वाले से ठीक है अब यहाँ क्या लिखते हैं इससे ठीक है नंबर वन लिखते हैं less than सर जी वन इससे आप लिखिए आप इससे कम but more than इससे ज़्यादा होगा नंबर थ्री से ज़्यादा होगा ठीक है नंबर सर जी कुछ लोग मेल बनेंगे फीमेल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो तो एनवायरमेंटल थ्योरी सेल्फ डिटरमिनेशन के लिजार्ड और क्रोकोडाइल में काम करते हैं उनके टर्टल्स में काम करता है हो गया अब जिसका साइज बड़ा है एलिफेंट तो बड़ा साइज है खाने वाले ही नहीं है ठीक खाने वाले ही कम पड़ गए कौन खाएगा उनको जल्दी खाएंगे ठीक है प्रेडेटर कम रहेगा तो क्या होगा वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा ऑफस्प्रिंग क्या करना बना करके एनर्जी क्यों वेस्ट करना ठीक है ये ऑफस्प्रिंग कम बनाएंगे इनका स्ट्रेटजी क्या है प्रोड्यूस लेस का मतलब लीस्ट है
रखना है कि ऑर्गेनिज्म ये वाले सबसे कम बनाएंगे, ये हाईएस्ट, लार्ज नंबर का मतलब हाईएस्ट है और ये बीच वाले हो गए। अब क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया था? इवोल्यूशन विकास किस चीज पर निर्भर किया? बॉडी के साइज पर निर्भर करता है और वो कितनी बार रिप्रोड्यूस करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे बॉडी का साइज कम ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से वो सेट कर देंगे। तो दो चीज़ों का स्ट्रेटजी में दो चीज़ें हैं, एक है हाउ मैनी टाइम रिप्रोड्यूस, हाउ मैनी टाइम रिप्रोड्यूस उस पर डिपेंड करता है। तो टेक्निक है किस पर निर्भर करती है, कितनी बार रिप्रोड्यूस हुआ बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है, बॉडी का साइज का। इसमें तो बॉडी के साइज से कोई लेना देना ही नहीं है। yes, ये इसलिए दो तरीके हैं खाली, कितनी बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक ही बार किया और प्रोड्यूस बन गया, इसी से बॉडी साइज कोई मतलब ही नहीं हो गया। बैट सारे सारे ऑर्गेनिज्म जो है एवोल्यूशन किए हैं, सबकी स्टडी अलग अलग है, ठीक है। यही तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब ही यही है। ह्यूमन सर्च लार्ज ऑर्गेनिज्म पे आएगा, हाँ ह्यूमन लार्ज बहुत ज़्यादा ऑफिसली ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अब एक लास्ट टॉपिक जो बहुत बड़ा टॉपिक वो भी है, वो टॉपिक है लास्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। थोड़ा सा समरी समझ लीजिए, ठीक है, आगे उसको एक्सप्लेन करना है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? जनसंख्या समन्वय, जनसंख्या समन्वय, हाँ जनसंख्या समन्वय, समन्वय इंटरेक्शन का मतलब बातचीत, समन्वय कोरिलेशन, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। पॉपुलेशन देखिए, क्या इस अर्थ पर कोई जीव अकेला रह सकता है? नहीं रह सकता है। कोई प्लांट है तो ह्यूमंस एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं तो प्लांट हैं, दोनों जीवों पर निर्भर है, ठीक है। एक पॉपुलेशन अगर हम बोलते हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में सब एक जैसे ही तो होते हैं, सबके सब एक जैसे है ना, एक ही पॉपुलेशन है, सारे इंडिविजुअल एक जैसे हैं, सेम स्पीसीज है। तो एक पॉपुलेशन है वो दूसरी पॉपुलेशन से उसका कुछ ना कुछ लेना देना है। जैसे हमारा लेना देना किससे है? प्लांट से है और एनिमल से है। हम एनिमल और प्लांट पर डिपेंड हैं, हम प्लांट की पॉपुलेशन पर निर्भर है, एनिमल पर डिपेंड है हमारा इंट्रैक्शन उनसे। तो यही इंट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे को वो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दूसरे को कैसे बेनिफिट करती है, कैसे नुकसान करती है, कैसे दूसरे पर निर्भर रहती है, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में सीरीज होता है, ये होता है जनरली डिफरेंट होता है, कभी कभी सेम भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी सेम भी होता है। एक ही पॉपुलेशन में देखिए, पॉपुलेशन का पॉपुलेशन से इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन में कौन है? ऑर्गेनिज्म ही तो है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन करता है ना। एक पॉपुलेशन का दूसरे से इंट्रैक्शन, डिफरेंट पॉपुलेशन सेम रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन एनसीईआरटी में दिया है कितने तरीके का है, देखिए यहाँ इसके टाइप्स लिखे हुए हैं। म्यूचुअलिज्म पहला क्या है, उनका टेबल पर ही है, क्या है बताते रहिए, कंपटीशन है, प्रेडिक्शन है, कंपटीशन कंपटीशन, और अगला क्या है, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन, उसके बाद पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म
कितना एनर्जी का पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसमें एक स्पीसीज वन है और एक क्या है स्पीसीज टू है, स्पीसीज टू और बी स्पीसीज बी है और स्पीसीज ए। तो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जनरली इंट्रैक्शन होता है, याद रखिएगा। एक ही स्पीसीज में इंट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो कम्युनिकेशन वाला है, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज, जैसे हम लोग ग्रास खा रहे हैं तो ग्रास की स्पीसीज अलग है, हमारी स्पीसीज अलग है। लॉयन डियर को खा रहा है, लॉयन की स्पीसीज अलग है, डियर की अलग है, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज जनरली उसका है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। अभी एग्जाम्पल आगे बताएंगे, अभी ओवरऑल जान लीजिए कि किसमें किसको फायदा क्या नुकसान, एग्जाम्पल के साथ आगे। म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज वन को भी फायदा है, स्पीसीज टू जब दो अपने सब एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं तो म्यूचुअलिज्म सिंबायोसिस दोनों के राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट का एसोसिएशन और माइकोराइजा में किसका है पंजाई का फायर प्लांट का एसोसिएशन, ठीक है। उस सब में कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, जानते हैं कैसे दोनों को नुकसान होता है। एक ही रिसोर्स के लिए फूड रिसोर्स सेम है, खाना एक है, तो लड़ाई होगी ना, लड़ाई होगी तो दोनों एक दूसरे को नुकसान करने की कोशिश करेंगे ना, एटलीस्ट लास्ट में तो एक जीतेगा ही, लेकिन नुकसान कर रहे हैं ना, एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं शुरुआत में, तो नुकसान कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को नेगेटिव से बदलेंगे। जब नुकसान होता है हार्म होता है तो माइनस साइन रखता है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन का मतलब एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लिया, रेडिएशन कोई जरूरी है जानवर जानवर को नहीं खाया, जानवर घास खाते हैं, गाय घास खाती है, गाय क्या हो गया प्रीडेटर हो गया, घास क्या हो गया प्रे हो गया, खाके खत्म कर दिया, खाके खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक को फायदा हुआ स्पीसीज वन को और इसको नुकसान हो सकता है, इसको फायदा हो इसको नुकसान होगा, ये भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ प्लस प्लस हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। पैरासिटेशन में हमारे सिर पर धुएं हैं, पैरासाइट है, हमारे पेट में स्कैरिस हो गया, मान लीजिए टीनिया सोडियम हो गया, पीटा गर्मी और गोल्ड गर्मी, वो सब हमारी बॉडी से भोजन एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सब क्या है हमको नुकसान हो रहा है लेकिन हमको तो फायदा हो रहा है, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। एक को फायदा नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म, ये तो का मतलब नाइदर एग्जांपल क्या होता है, ना तो कोई फायदा है नॉट हार्म, ना कोई नुकसान। अब यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट वाली ये है कि इसमें से एक चीज तो आपको सबको पता रहेगा, एक चीज ये है कि कितने इंट्रैक्शन ऐसे हैं जहाँ कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, कम से कम बताइए कितने इंट्रैक्शन ऐसे हैं जहाँ पर कम से कम एक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा तो दोनों को फायदा हो सकता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोनों को फायदा होता है तो है नहीं, दो ही ऑर्गेनिज्म को है, कम से कम एक ऑर्गेनिज्म कहाँ बेनिफिट ले रहा, कितने टाइप के इंट्रैक्शन आए चार जगह कहाँ पर, दो जीरो हैं सब,
ये हो गया। अब देखिए, अब कुछ और समय नहीं, थोड़ा सा टाइम है अभी। पहला पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, एम एस सी लेवल छोटा है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है, पहले फिनिश कर देते हैं। एम एस सी लेवल क्या होता है? 1-1 0। इसका एग्जाम्पल क्या है? हम चल रहे हैं, हमारे पैसे नहीं, क्योंकि आप मर गया तो खत्म हो गया, हमारा कुछ नहीं, तो नुकसान हो गया, हमको कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बन जाया। उसकी स्पीसीज अलग थी, हमारी स्पीसीज अलग है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंट्रेक्शन हो रहा है, बन गया। तो और लेकिन ये एग्जाम्पल लिखा नहीं गया है, उसमें क्या लिखा गया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब एंटीबायोटिक खोजी थी, कौन सा? पेनिसिलिन। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? स्ट्रैफिलोकोकस निमोनिया आ गया था, ये बैक्टीरिया मर जाता है। किसके थ्रू मर जाता है? पेनिसिलिन से। जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फंगस, देखो एक है फंगस, एक इसकी स्पीसीज अलग है, ये है बैक्टीरिया, इसकी स्पीसीज अलग होती, दो अलग अलग पॉपुलेशन हो गई ना, एक पॉपुलेशन में एक स्पीसीज होती ना, एक वैरायटी की। ये क्या है? ये पेनिसिलिन बनाता है, क्या बनाता है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन इसको क्या कर देता है? मार। अब बताइए इस फंगस को कोई फायदा हुआ? जीरो। नुकसान किसको हुआ? बैक्टीरिया हो गया। पेनिसिलिन एक बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, पेनिसिलियम फंगस हो गया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के काम से, ठीक। आगे देखिए, प्रीडेशन समझ लीजिए, बताइए थोड़ा सा ऐसे प्रीडेशन बता दीजिए क्या होता है। प्रीडेशन जनरल वे में थोड़ा सा प्रीडेशन का मतलब समझते हैं, क्या करें जोर से बोला, हिंदी में बताइए। प्रीडेशन का मतलब जैसे शिकारी, शिकार करना, मान लीजिए कोई एक बड़ा जीव एक छोटे जीव को खा रहा है, छोटा जीव पौधा भी हो सकता है और जानवर भी हो सकता है, बड़ा जीव जानवर ही होना चाहिए, बड़ा जीव क्या है? जानवर ही होगा। जनरल केस में ऐसा नहीं होता, कभी कभी पौधे जो है बड़ा जीव छोटे जीव को खाता, तो बड़ा जीव पौधा होता, जैसे इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं कीट खाते हैं, कीट खाते हैं, उसमें पौधा तो बड़ा है, खाने वाला बड़ा है, और जिसको खाया जाता है वो छोटा है। तो पौधे जो है जीवों को खाते हैं, जो रेयर है ना, इंसेक्टिवोरस में ही है। जनरली क्या होता है? जानवर जानवर को खाएगा, ईट करेगा, या एनिमल प्लांट को ईट करेगा, प्लांट ईट को एनिमल को रेट दे सकते हैं, यही प्रेडेशन है। ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करना, इसमें और पैरासिटिज्म में क्या अंतर होता है? पैरासाइट में अंतर, वो हमारे आश्रित तंत्र लेकिन हमको खत्म नहीं कर पाते, वो हमसे फायदा लेते हैं लेकिन हमको नुकसान नहीं। कौन? मतलब पैरासाइट हमारे अनुसार जीवित रहते हैं, जैसे शरीर रूट में जुड़े रहते हैं हमारे शरीर में, जैसे मतलब देखिए सुन लीजिए, प्रीडेटर में भी एक को प्लस होता है और एक को माइनस होता है, जो खाता है उसको फायदा होता है, लॉयन खा रहा है डियर को, लॉयन को फायदा हो रहा है, डियर को खत्म हो गया, नुकसान हो गया। ऐसे जुएँ हमारे सिर पर हैं, तो हमारे सिर पर जब जुएँ हैं तो पैरासाइट है, तो पैरासाइट के लिए प्लस लगाएंगे जो खाएंगे, खाएंगे हम, हमको थोड़ी ना खाएंगे, हमसे न्यूट्रिशन लेंगे ना, लेकिन हम मर तो जाएंगे जिंदा रहेंगे, लेकिन हमको नुकसान करते हैं ना, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन खींच रहे हैं, तो हमको नुकसान हो रहा नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में एंटीरियर सोलियम हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन खींच रहा है, जो न्यूट्रिशन खींचता है उसको फायदा है, जिससे खींचा जाता है न्यूट्रिशन वो नुकसान होता है। मतलब जो देखिए क्या होता है, पैरासाइट पैरासाइट के लिए प्लस लगाएंगे, होस्ट के लिए माइनस। ऐसे प्रीडेटर होता है, और उसको प्रीडेटर जो खाता है और जो खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शिकार। प्रे बोलते हैं कि होस्ट? होस्ट प्रे, हाँ होस्ट कर नहीं होता, प्रे होता है, शिकार शिकारी होता है प्रीडेटर, शिकार क्या होता है? प्रे, ठीक है। जनरली प्रीडेटर बड़ा होता है, प्रीडेटर क्या है? बड़ा है, प्रे क्या है? जनरली छोटा। कुछ एग्जाम्पल ये रहा, जैसे इंसेक्टिवोरस में प्रीडेटर बड़ा है,
प्रीडेटर क्या है सर? प्रीडेटर, हाँ वहाँ पर ही प्रीडेटर बड़ा है, प्रे छोटा होगा, ठीक है, होता ये प्रीडेटर बड़ा होगा, प्रे क्या होगा, स्मॉल ही होगा। कौन नहीं आ रहा है, हाँ क्या करें, वायरस जब किसी होस्ट सेल देखिए वायरस जब हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो क्या वायरस को बेनिफिट मिलता है? हमको तो नुकसान हो रहा है, बीमार पड़ जा रहे हैं, वायरस को कोई बेनिफिट है? वो जिंदा है, वायरस जिंदा है, जनसंख्या बढ़ा रहा है, ठीक है, एच आई वी वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है, क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है, उसको फायदा मिल रहा है, वो भी क्या है, उसको भी प्लस हमारे लिए माइनस, प्लस माइनस का समझ, तो वो किसमें आएगा? जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता तो आता किसमें है? या तो प्रेडेटर में आता है या पैरासाइट। वायरस प्रेडेटर तो है नहीं, है पैरासाइट। जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, सब क्या है हमारे ऊपर? पैरासाइट, सब पैरासाइट। खत्म हो गया क्या? खत्म खत्म नहीं हुआ, अभी समरी बता रहा हूँ, अभी जो बुक में एक से खतरनाक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, वो बताना है। मैं भी पैरासाइट में, पैरासाइट में प्रे होता ही नहीं है, पैरासाइट में जो एक जीव है जो खाता है, न्यूट्रिशन लेता है, पैरासाइट होस्ट हमेशा जिंदा ही रहता है, जिंदा रहता है, डिपेंड करता है उसको उससे कितना न्यूट्रिशन खींच लिया है, कितना न्यूट्रिशन खींच लिया है, ज़्यादा खींच लेगा तो मर भी जाएगा। कौन देखिए ध्यान सुन लीजिए, दोनों में डिफरेंस, जो प्रीडेटर होता है वो मुंह से भोजन खाता है, लॉयन डियर को खाता है, मुंह से खाता है, ठीक है, सॉलिड भोजन खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, लेकिन जो पैरासाइट होता है, जुए हैं, जुए सक करते हैं न्यूट्रिशन को, लिक्विड फॉर्म में सक करते हैं, यही डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये हो गया, प्रीडेटर सॉलिड फॉर्म में भोजन को मुँह से लेते हैं, पैरासाइट लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन को सक करते हैं, जैसे टीनियस मीडियम में सकर होता है, हेड पर सकर लगे होते हैं, बड़े ना पिता किडनी में क्या होता है, स्पोरेक्स हेड होता है, उस पर सकर्स लगे होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, प्रीडेशन में जो प्रीडेटर होता है वो जनरली दौड़ा के खाते हैं, शिकार करते हैं, तो उसमें दोनों स्थिर नहीं रहते हैं, शेर है डियर को खा रहा है तो शेर दौड़ेगा खाने जाएगा, ये नहीं कहेगा डियर आ जाने खा ले, लेकिन पैरासाइट के दोनों स्टेबल स्थिर है, हमारे जो लाउस है हम स्टेबल है ना, हम चले लाउस।